छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के रूप में अनुसुईया उइके ने एक साल पूरा कर लिया है। एक साल पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने अपने इस एक साल के कार्यकाल को याद किया और कहा कि छत्तीसगढ़ में उन्हें खूब प्यार मिला है, उन्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि वो अपने घर से बाहर हैं। वो यहाँ पर खुद को एक परिवार के सदस्य के रूप में ही देखती हैं। एक साल पूरा होने पर राज्यपाल अनुसुईया उइके से खास बातचीत की है संपादक मनोज सिंह बघेल ने। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज अपने कार्यकाल के एक साल पूरे कर लिए हैं। इस एक साल के दौरान छत्तीसगढ़ में उनके कामकाज का कैसा अनुभव रहा, ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं राजभवन में और हमारे साथ हैं मैडम अनुसुईया उइके जी। उनसे चर्चा करेंगे कि एक साल की उनकी उपलब्धि कैसे है। मैडम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत ही अच्छा एक साल अपना कार्यकाल पूरा किया है। कैसा रहा ये एक साल का अनुभव, क्या सोच के आप आई थी यहाँ पर और जो जो सोच के आई थी, प्लान करके आई थी, इस एक साल में कितनी उन प्लान को एग्जीक्यूट करने में आप सफल रहीं? सबसे पहले तो इस बात के लिए एक साल का जो कार्यकाल मेरा आज पूरा हुआ, मुझे तो पता ही नहीं लगा कि एक साल कैसे गुजर गया। और जहाँ तक आपका जो प्रश्न था कि मैंने क्या प्लान कर यहाँ छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के रूप में मैं आई, ये मौका ही मुझे नहीं दिए प्रधानमंत्री जी ने अचानक ही, क्योंकि मैं तो पहले से ही दिल्ली में एक पद में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष के पद पर थी और उस दिन तक भी मतलब मैं कि ऑफिस में ही मीटिंग कर रही थी और ये अचानक ही सूचना मुझे आई। हालांकि मुझे प्रधानमंत्री जी ने रात को फोन पर तो बताया नहीं था, बस इतना ही कहा था कि मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, क्या दे रहे हैं ये मुझे नहीं पता था। और जब मैं आयोग में मीटिंग कर रही थी तभी टीवी में और इसके समाचार चलने लगे कि आपको छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बना दिया, तो उस समय मैं बिल्कुल ही एकदम मतलब एक तरह से वो हो गई कि अभी तो मेरा कार्यकाल था और वहाँ मैं जो काम कर रही थी, लोगों की बड़ी अपेक्षा थी, विश्वास था कि लोगों में लग रहा था कि अब हमको यहाँ पर न्याय मिलना शुरू हो गया था, तो एक उम्मीद जागी थी और मेरा भी वहाँ पर बहुत मन लगता था काम करने का और काफ़ी मैंने दौरे भी किए प्रदेशों का। तो ये अचानक हुआ तो एक प्रकार से उसको छोड़ने का भी मुझे बड़ा दुख सा हो रहा था और चूंकि मैं ऐसे राज्य में जा रही हूँ छत्तीसगढ़ में जहाँ पर वास्तव में एक ऐसा वर्ग जो है 32% रहता है आदिवासियों का और वो भी उस इलाके में सबसे बड़ी गंभीर समस्या और चुनौती से जूझ रहा है और ये मेरे लिए भी एक चुनौती भरा दिन होगा। और ऐसे राज्यों में प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रपति जी ने मुझे जिम्मेदारी दी। आने के बाद मैंने यहाँ पर लोगों से मिलना जुलना शुरू किया तो सच बताऊँ मैं आपको कि हर व्यक्ति में एक अपनापन झलकता था मुझे और एक सहजता, इतनी सरलता। मैंने और कहीं राज्यों में इतना देश भर के प्रदेशों का दौरा किया, जो एक अपनापन लोगों के मन में था, ऐसा लगता था कि जैसे मैं उनके परिवार की एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में हूँ। ये एक चीज मतलब मुझे बड़ा मतलब वो हुआ, एक बड़ा अच्छा अपनापन सा लगा क्योंकि मेरी पहले से ही लोगों की सेवा करने की भावना थी और जो भी व्यक्ति मेरे पास आता था तो मैं कभी भी कोशिश करती थी कि वो निराश होकर ना जाए और वो शुरू से ही रहा, मैं जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलते रही और उसी भाव से। कभी मुझे ये नहीं लगा कि चाहे मैं विधायक रही हूँ या मंत्री के पद पे या सांसद या बड़े बड़े महिला आयोग, मैंने पदों को नहीं देखा, एक काम को देखा कि लोग अगर मेरे को उस भावना से आ रहा है कि हमारा काम इनसे हो जाएगा तो मैंने पूरी कोशिश की, उसकी समस्या का गंभीरता से लिया और हल करने का प्रयास किया। और वही भाव में राज्यपाल के रूप में छत्तीसगढ़ में आई तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं एक राज्यपाल के रूप में,
लोग एहसास करते कि मैं राज्यपाल हूँ, वो उनके अंदर का जो एक बना हुआ था कि राज्यपाल से मिलना और हमसे मुलाकात होगी कि नहीं। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये जो पद और ये राज्यपाल क्या केवल राजभवन के लिए ही बनाए जाते हैं? भाई ये पद भी होता है, मेरे को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मैंने ये जब उनको धन्यवाद दी थी, देने गई थी दिल्ली में, तो मैंने कहा कि आपने जनरली होता है कि ये पद जो होता है 65 के ऊपर वालों के लिए होता है, अभी तो मेरी 65 साल की उम्र नहीं हुई और आप, मैं वैसे ही पहले से ही एक कार्य कर रही थी आयोग में और आपने अचानक मुझे ये जिम्मेदारी दे दी। तो उनका ये कहना सोचना था कि ये तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा काम है और एक तुम्हारा, और मुझे विश्वास है कि तुम वहाँ कर पाओगी, और कहा था कि वहाँ पर ये जो आदिवासी इलाके हैं और वहाँ के सभी समुदाय के लोगों के साथ तुम मिलना है और उनकी समस्या सुनना है और दौरे भी करना है। तो जो उन्होंने शायद मुझे यही इसलिए शायद चुना होगा कि ये शायद उस चुनौती को, वरना ये तो मेरी कल्पना के बाहर था कि मैं राज्यपाल के रूप में मैं आऊंगी, क्योंकि बताया ना कि जनरली इसमें तो बड़े वरिष्ठ लोग ही जाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर उनका जो भी है और विश्वास उन्होंने भी मुझे दिया, तो वो विश्वास और यहाँ के लोगों का अपनापन जो मैंने देखा, और उसके बाद जस्ट शपथ के दूसरे दिन ही एक सर्व समाज आदिवासी समाज मेरा पूरा एक डेलीगेशन मिला, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने पूरे अपने इलाकों की और सारी चीज़ों से और नक्सलवाद की समस्या का भी उसके बारे में भी बताया और उसका समाधान कैसे हो सकता है कुछ सुझाव दिए। और फिर लगातार लोग मेरे से आकर मिलते रहे, कई लोगों को एक ऐसा लगा है कि मतलब एक मैसेज शायद मेरे मिलने जुलने से लोगों को लगा कि नहीं हम भी अब मिल सकते हैं। कई लोग तो पता ही भी नहीं रहता है कि प्रोटोकॉल का क्या होता है, राज्यपाल से पहले टाइम लेना पड़ता है और इसके बाद ही शायद उनसे अपॉइंटमेंट समय मिलेगा। बेचारे लोग गेट पर 20-20, 25-25 लोग आके गेट पे खड़े हो जाते थे, बीजापुर, नारायणपुर, अब उजवण, कहाँ कहाँ के लोग। तो जब गेट पे आते थे खबर आती थी, मैंने कहा नहीं उनको बुलाओ। तो ये जो एक चीज है, क्योंकि ये भाव ही नहीं रहा कि मैं एक राज्यपाल के रूप में हूँ, मैं एक सेवा के रूप में काम किया, जो भी पद मुझे मिला और जो मुझे दायित्व मिला, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसी दायित्वकारों से मुझे ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है और हमारे सारे वरिष्ठों का जो विश्वास मुझ में हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज है कि इतने कम समय में मैं आज इस पद पर मैं पहुँची हूँ। कुछ मेरी और भी आगे की प्लानिंग थी कि मैं आगे पूरे जितने भी अनुसूचित क्षेत्र है मैं वहाँ पर मीटिंग लूंगी और ये देखूंगी कि संविधान में 5वीं अनुसूची क्षेत्र जो है, संविधान में उनके लिए आदिवासियों का एक अलग से प्रावधान किया गया, उनको जो अधिकार दिए गए, तो वो भी मैं देखूंगी कि वास्तव में उसके अधिकारों का उनका पूरी तरह से क्रियान्वयन हो रहा कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सरकार का भी अभी 2 साल ही हुआ है, 2 साल में उनका भी ये कार्यकाल, इतना 5-6 महीने कोरोना में भी चला गया, तो कोई भी चीज का समय लगता है, एकदम से तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जहाँ भी मैंने देखा कि जब भी मेरे सामने ऐसे कुछ बड़े मामले आए हैं और मैंने शासन को, मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकर्षित किया है और उसको उन्होंने मतलब उसमें भी जल्दी से रुचि लेकर और उसको कैबिनेट में पास भी किया है, और चाहे वो स्कूल खोलने की बात हुई, वो बैकला जो बताया ना, बेरोजगार वाले जो हमारे अति पिछड़ी जनजाति के युवक, और भी कई 50,000 एकड़ ऐसी एक जमीन है जो रेवेन्यू में है ना, फॉरेस्ट में, वहाँ के लोग मिले कि आखिर हमें ये, जब आज तक इसका कुछ पता नहीं है तो हमको तो उसका कोई अधिकार नहीं, आज भी हमें वंचित है ना सरकार की योजना का। फिर मुख्यमंत्री जी ने उसको भी कैबिनेट में लाया और उसका भी मतलब सर्वे करने के लिए निर्देश दिया। तो ये एक चीज हो रही है कि आखिर
उनके सामने आ रही कई चीजें, नीतियां हैं, सब चीजें अच्छी है, कल्पना है, सेंटर गवर्नमेंट की योजना है, राज्य सरकार की, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन होना जमीनी स्तर पर बहुत जरूरी है। जब नहीं हो रहा होता है तो लोग उनको भी ध्यान आकर्षित करते हैं और मेरे पास भी आते हैं। पहले तो राज्यपाल के पास तो संभव सोच ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहली बार उनको, यहाँ के लोगों को ये लग रहा है कि नहीं अब हम उनसे भी मिलकर अपनी बात को रखें, तो लोग आते हैं मेरे पास। जी, पहले ये माना जाता था मैडम कि राजभवन मतलब लोग डरते थे और आम लोगों का राजभवन तक पहुंचना बहुत कठिन होता था, और ये कहा जाता है कि जब व्यक्ति सत्ता में आता है तो थोड़ा उस प्रोटोकॉल से अपने आप को बदल लेता है, और यही कारण है कि आम जनता की पहुंच से राजभवन दूर हो जाता है। आपने कैसे ये मेंटेन किया कि सभी को, जैसा आपने बताया कि नारायणपुर और बीजापुर से लोग आते हैं और उनको नहीं मालूम होता है कि क्या प्रोटोकॉल होता है, कैसे अपॉइंटमेंट लिया जाता है, कैसे मिला जाता है, अचानक पहुंच जाते हैं, ये सूचना कैसे मिलती है आपको कि वहां पे लोग इंतजार कर रहे हैं, और कैसे फिर आप स्वीकार कर लेती हैं उस समय थोड़ा ध्यान नहीं आता प्रोटोकॉल के हिसाब से गलत है और इस तरह का? मैंने तो पहले भी प्रोटोकॉल का जो है एक तरफ रखकर, चाहे वो मंत्री रही हूँ या सांसद, क्योंकि मैंने हमेशा एक मतलब एक प्रकार से ये सारी चीजों से मुझे बहुत, मैं आपको सच बता रही हूँ, बेचैनी होती है। मैं मंत्री भी रहती थी तब भी ये मेरे पीछे जो प्रोटोकॉल मना कर देती थी कि नहीं इतनी गाड़ियां नहीं होना। मैं अगर अपने घर जाती थी तो मैं अकेली प्राय अपनी गाड़ी में लोगों से मिलने जाती थी। ये दिखावा और ये सारी चीजों को पता नहीं क्यों, क्योंकि जो लोगों का आत्मिक जो होता है ना, भावनात्मक रूप से संबंध, ये सबसे बड़ा सम्मान होता है। आप ये दिखावे का करते रहोगे, ठीक है प्रोटोकॉल में एक ये राज्यपाल की एक गरिमा के तहत सुरक्षा और ये सारी उसकी एक आवश्यकता है, वो भी उनका अपना कर्तव्य है इस पद के लिए, बाकी जगह तो मैंने नहीं किया। अब आपको एक बात बताएं, शुरुआत की बात है, मैंने तो 29 जुलाई का किया था, 9 अगस्त उसके 10 दिन हुए थे। अब मुझे इन्होंने इनवाइट किया था ये धमतरी के पास एक कोई ब्लॉक में एक बहुत बड़ा आदिवासी सम्मेलन था। अब वो लोग, मैंने मना कर दी थी, लोग कह रहे थे कि मैडम इतनी जल्दी और सारा प्रोटोकॉल और सूचना अभी दी नहीं, 3 दिन पहले देना पड़ता है। इतने में वो 10-11 बजे आ गए और कहने लगे मैडम वो तो हमने बड़ी तैयारी कर ली और आपको तो चलना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कितनी दूर है यहाँ से, तो बोले 2-2.5 घंटे लगेंगे, आप 2 बजे भी पहुँचोगी तो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बुलाई अधिकारियों को, मैंने कहा कलेक्टर से बात करो। अब मैंने कहा ठीक है प्रोटोकॉल है जो भी है सूचना दे दो। मैंने कहा अच्छा चलते हैं। अब यकीन नहीं होता है कि उसी समय 1 घंटा की सूचना में, अब ये मतलब एक वो चीज नहीं दिखी कि ये प्रोटोकॉल और ये सब। मैंने कहा नहीं, उनकी भावना ने मुझे खींच ले गया, अब मैं क्या करती इसके लिए। तो इसलिए ये जो चीज जो खींच चली आती है, एक ये नहीं देखती कि मैं मेरा बहुत बड़े पद में है और आम व्यक्ति से कैसे, तो वो चीज क्यों नहीं आती है मुझे, मुझे तो पता नहीं क्या है। कभी एहसास ही नहीं हुआ कि इतने राष्ट्रीय स्तर से लेकर और सारे बड़े जिम्मेदारी पद पर, आज भी वही सारे लोग जैसे चाहे मिल ले, कई बार तो ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा बंधन सा हो गया। नहीं, लेकिन लोकतंत्र का मूल तो सिद्धांत ही है, जनता का जनता के लिए शासन जो है, तो निश्चित तौर पर उस खूबसूरती को आप संभाले हुई हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये देखने को नहीं मिलता है। नक्सलवाद को लेकर क्या समझ में आया 1 साल में, किस तरह से इस समस्या का अंत हो सकता है, क्योंकि देखने में आता है कि ज्यादातर इसमें आदिवासी ही पीछे जाते हैं, चाहे वो पुलिस और दूसरे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनके हाथों भी शिकायत आती है कि उनके हाथों प्रताड़ित होते हैं, और नहीं तो नक्सली उनको प्रताड़ित करते हैं, वो बीच के रहते हैं। आपने क्या अनुभव किया इस 1 साल के दौरान? देखिए, इसमें मेरे को ये लगा है कि देखिए ये नक्सलवाद, आपने भी कहा ना कि ये केवल आदिवासी ही क्षेत्र में, और ये क्यों है और अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं है, तो इसकी मूल वजह भी जानना चाहिए। और ये सारी चीजों का मेरे मन में था कि मैं मार्च अप्रैल में इसकी मीटिंग बुलाऊं, ये तैयारी चल रही थी मगर नहीं हुआ। लेकिन जो मैं महसूस करती हूँ कि वास्तव में हमारा जो आदिवासी वर्ग होता है वो बहुत ही सहज और सरल,
और एक सीधा होता है, उसकी बहुत अति महत्वाकांक्षा नहीं होती है, लेकिन उसको रोजगार, दो टाइम का खाना तो उसके लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है कि जो लोग पढ़ते हैं, बच्चे लोग बेरोजगार होते हैं, अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरी बात है कि वहाँ पर शिक्षा उसकी पूर्ति नहीं होगी, तो और जो भी उनके लिए रोजगार के साधन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये मूलभूत उनकी सुविधाएं वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचती है, और इसके लिए भी हमें कोई ठोस उपाय करना चाहिए था। जैसे कि वो लोग आए थे मेरे को बीजापुर और कोंडा और वो उसी एरिया के नारायणपुर के, ये सारे ट्राइबल, अब 13 से उनको नौकरी नहीं मिली, अब उनमें इतना आक्रोश था, आप बताइए वो क्या करें। दूसरी बात है कि जो हमारा सुरक्षा का तंत्र भी वहाँ पर तैनात है, उनके भी व्यवहार से भी वो शिकायतें मुझे आई है। बिल्कुल। एक संवेदनशीलता उनके साथ आप व्यवहारिकता करिए, तो वो आपको उनको अपना बनाना पड़ेगा, आप उनकी सुरक्षा के लिए हैं। आप अगर बहुत सारे लोग जो हैं, क्यों कई लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, बहुत सारे ट्राइबल, इसके बारे में मैंने सीएम से बात की, एक कमेटी बनाई गई है रिटायर्ड जज की, उसमें है, और अभी कुछ लोगों को उसकी छोड़ने की बात की है। छोटे छोटे मामले में पुलिस के द्वारा बंद कर दिया जाता है। और दूसरी बात है कि जो लोग आज कैंपों में रह रहे हैं प्रभावित, आप, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था, मैं दंतेवाड़ा गई थी, वहां पर आत्मसमर्पित सारे नक्सली जो लोग हैं, ट्राइबल लोग जो हैं, उनसे मुलाकात की, कैंपों में उनके परिवार से मिली, उन्होंने कहा कि हमारे लिए कब तक हम जिंदगी कैंप में बिताएंगे, हमारे लिए आवास की व्यवस्था चाहिए, उनके बच्चों की शिक्षा चाहिए। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी घोषणा करिए, 2 अक्टूबर को उन्होंने घोषणा की कि इनके लिए हम आवास बना के देंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये बंदूक की गोली से ये नक्सलवाद खत्म नहीं हो सकता, उनको मन को जीत कर ही होगा। तो ये चीजें मुझे अच्छा लगता है कि शासन स्तर पर इस पर पहल की जाती है। तो ये मेरा एक समय समय पर, जब से मैं आई, क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं, ये बताते हैं, उनको एक उम्मीद जागी है कि आप कोई सुनने वाला है। मैं तो खैर नहीं बोलती, लेकिन उनके अंदर है तो वो आ रहे हैं और मुझे पता लगता है। तो ये पहल मैं अपने तरफ से कर रही हूँ, और जितने भी ये जो बड़े बड़े सीआरपी के हैं और मतलब एसएफ, और उनको भी बोलती हूँ कि आप वहाँ जाके एक अपने सैनिकों को भी ट्रेनिंग दीजिए कि इनके साथ किसी तरह के अमानवीय व्यवहार ना हो, उनके साथ संवेदनशीलता बरते। क्योंकि ये मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ, मैं जब महिला आयोग में थी, मैं, हम लोग विजिट करते थे महिलाओं कैदियों से मिलने के लिए हर जेलों में, तो मैंने अनुभव किया कि एक 6 महिलाएं थी जेल के अंदर, उनको नक्सलवादी घोषित कर दिया गया था कि ये नक्सलाइड है। तब उन्होंने मुझे कहा था, बड़े आक्रोश में, आंखों में एक जो गुस्सा था, क्रोध था, उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, हम कहाँ जाएं, कौन हमारी रक्षा करेगा, हमारे घरों में जाते हैं लातों से, जूतों से हमारी पिटाई करते हैं, हमारे घर के सामानों को बर्बाद कर देते हैं, देखिए उसकी पीड़ा। तो मुझे ये मालूम है कि इन चीजों से हमारा ट्राइबल के साथ क्या होता है, निर्दोष लोगों को जेलों में बंद कर दिए गए, आज तक बेचारे लोगों के पास पैसा नहीं। ये संवेदना जो है, ये अगर शासन स्तर पर इसका और पहल की जा रही है, मैंने भी इसके ध्यान आकर्षित किया, और मेरी कोशिश थी कि मैं इन जेलों का भी विजिट करूं, मैं मिलूं उन कैदियों से और पूछूं, और उनको ये भी नहीं पता है कि लीगल सरकार के द्वारा एक विधिक यहाँ पर एक प्रकोष्ठ है, निःशुल्क उनको लिए कोर्ट में मदद दी जाती, बेचारे लोगों को पता ही नहीं, 20-20 साल से, 10-10 साल से जरा से केस में बंद पड़े हुए हैं। जितना मेरे से हो सकता, मेरे मन में बड़ा, मतलब एकदम सुनती हूँ तो मन में बड़ा वेदना होती है। तो इतना सोच कर, क्योंकि ये मुझे पदों से और इससे कोई वो नहीं रहा शुरू से, लेकिन जो अधिकार दिया है ईश्वर ने मुझे यहाँ तक और मिला है, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस प्रदेश के लिए भी, ये तो नक्सल का हुआ, लेकिन यहाँ के जो बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए भी रोजगार के कुछ नए ऐसे हो जाए। नौकरी ही सब कुछ नहीं है, पहले तो इस बात के लिए प्रेरित करो कि वो स्वयं करने के लिए एक अपने अंदर
एक काम करने का या उसके अंदर वो बढ़ाना चाहिए आत्मविश्वास, क्योंकि जब तक उसके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति नहीं होगी, हम कुछ भी दे दें तो वो क्या करेगा। और उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है और उसके साथ मार्केटिंग। आज जो कृषि विश्वविद्यालय है ये नौकरी की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर एक सेमिनार था कि ये जो आज के नवयुवक हैं खेती की ओर इनका ध्यान नहीं रहता है, तो ये भी इस ओर जाएं। आज इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है बेरोजगारों, क्योंकि ये बताया ना कि उनके पिताजी खेती कर रहे हैं मगर वो नौकरी करना चाहते हैं, तो ये इससे भी जुड़े। कृषि को कैसे लाभ का धंधा बनाए, और इस मामले में प्रयास सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है, तो ये सारी चीजों को एक मार्केटिंग और भी अच्छा बन जाए, तो मैं समझती हूँ कि हमारा जो है अन्य प्रदेशों की तरह हमारा भी छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ेगा, ये मेरी इच्छा है। मतलब सरकार के कामकाज से बहुत संतुष्ट हैं आप, जिस तरह से काम सरकार कर रही है। देखिए जहाँ तक है कि संतुष्टि तो कोई भी व्यक्ति को ना उनको भी नहीं होती है। काम नीतियां बहुत अच्छी बनाई जा रही है, बस इतना ही है कि उसको जमीनी स्तर पर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, लोगों तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमको संतुष्टि कैसे मिलेगी। सरकार की भावना है लेकिन वहां नीचे स्तर पर टाइट होना चाहिए। अब देखिए उदाहरण के तौर पर मेरे सामने एक समस्या आई, 2 साल से तेंदुपत्ता का बोनस नहीं मिला जी। 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली, 6 महीने 8 10 महीने हो गए, लोगों ने चयनित शिक्षकों का सिलेक्शन हो गया, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। आप बताइए वो विचारों को मैंने देखी कि वो लोगों की आज ओवर एज हो जाएगी। वो एक ने जो व्यक्ति ने सुसाइड करते हुए वो देखा ही शायद वो खत्म भी हो गया। तो ये जो सारी चीजों का समाधान होना चाहिए, तो निश्चित रूप से सरकार के लिए भी बहुत अच्छा होगा ऐसी नीति बनाए कि लोगों को उसका लाभ मिले और आप एक तरीके से उसका समय पर क्रियान्वयन हो। आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप जितनी सीधी और सरल हैं उतनी ही किसी बात पड़ती तो अड़ भी जाती हैं। 4-4 मंत्री मनाने आए आपको, आप मानी नहीं? नहीं नहीं मनाने तो नहीं आए हैं। जनरली क्या होता है कि राज्यपाल और सरकार, क्योंकि ये तो मेरी ही सरकार है और एक उस नाते भी आते हैं, कोई भी समस्या होती है चर्चा करने मुख्यमंत्री भी आते हैं कभी, तो ये मनाने की चीज नहीं थी। मगर उस शिक्षा के मामले में मैंने भी बोला था कि आप लोगों से आइए बैठ के कुछ चर्चा करते हैं। उस शिक्षा में कई हमने आवेदन दिया, उसका जवाब नहीं आया था, तो मैंने कहा कि अभी कई जगह नियुक्तियां भी करनी है कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी, मगर प्रस्ताव आपके तरफ से हम लोग यहाँ से भेजते हैं, उनका अनुमोदन लेते हैं सरकार से। और इसी तरह से चौबे जी अकबर जी से इसलिए भी मैंने कहा था कि मैंने ही उनको बात की थी कि आप भी आइए, तो तेंदुपत्ता का बोनस वाला मामला था हा? और कृषि का भी मामले थे, तो उनका जो नई यूनिवर्सिटी के संबंध में, तो ये विषय का डिस्कशन आपस में चलता है, इसको मनाने और वाली बात ऐसी नहीं थी। और उसको बैठ के ही तो कोई चीज का समाधान होता है ना, तो उनको भी नॉलेज में नहीं था। अब अधिकारियों ने कहा कि सरकार को हमने प्रस्ताव भेजा, वहां सहमति नहीं मिली इसलिए नहीं दिया। मैंने कहा 2 साल से सहमति नहीं मिली, आप बताइए 597 और 436 करोड़ समितियों के बाकी है। तो अब ये चीजों में उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम आपने किया हमने कर दिया जैसे भी हुआ, और चौबे जी ने भी कहा। मैंने कहा प्रस्ताव की बात आई थी यूनिवर्सिटी का, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पूरे कानून की ज्ञाता या मैं नहीं हूँ, ना मंत्री होते ना मुख्यमंत्री होते। बिल्कुल बिल्कुल सही। प्रस्ताव जब भी कोई चीज का प्रतिवेदन आते हैं तो उनके सामने निष्पक्षता और चीजों को बताना चाहिए। जैसे हम मैं एडवाइज लेती हूँ तो कोई मैं अपने आप ही सारे निर्णय नहीं लेती कि ये सही है कि गलत है, मेरे लीगल अधिकारी है वो, मतलब उसके डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे वो है अधिकारी, सब जगह रहते हैं उनके भी रहते हैं लीगल अधिकारी। जब प्रस्ताव बना था तो तब तो देख लेना था कि दूसरे प्रदेशों की स्थिति में कुलाधिपति के अधिकारों के बारे में क्या अधिकार दिए गए हैं। किसी भी प्रदेश में कुलाधिपति के अधिकार को कहीं भी कम नहीं किया है। मंत्रिपरिषद में भी अगर अधिकार लिया है तो वो
गुजरात का भी उदाहरण देते तो उसमें भी है कि कुलाधिपति से परामर्श पर जो खोज समिति 3 लोगों की बनाई जाती है उसमें स्पष्ट लिखा कि खोज समिति की सिफारिश पर कुलाधिपति के द्वारा कुलपति की नियुक्ति। अब आपने इसमें क्या कर दिया, यूजीसी का मेंबर को खत्म कर दिया। दूसरी बात है कि खोज समिति की अनुशंसा पर मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुशंसा करके कुलाधिपति निकाल। अब वहां पर तो मंत्रिपरिषद किसी का भी निर्णय ले ले और सरकार का आदि पूरा मतलब ये स्वायत्तता खत्म हो गई कि नहीं। जी 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 बिल्कुल। और उस पे ये भी एक प्रावधान किया गया था कि अगर कोई विश्वविद्यालय हमारा विनियोग का उल्लंघन करेगा तो हम उसको अनुदान नहीं देंगे। जी। तो ये सारी चीजों को भी देखना चाहिए था कि अगर हमको ग्रांट नहीं मिलेगी और ये सीधा सीधा उसका 2018 को उल्लंघन है कि नहीं बताइए। तो ये कानून संबद्ध मैंने जब शोभे जी को बताया, वो शिक्षा मंत्री, उनको भी ये चीजों का पता ही नहीं था। जब उन्होंने देखा तो मैंने कहा मैं बताइए मैं उनसे राय लूंगी कि नहीं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आप बिल्कुल एडवाइस लीजिए, हम बिल्कुल सहमत है आपकी बात से। तो बैठकर ये सारी चीजों का एक कंफ्यूजन होता ना कि आपको भी लगता होगा कि मैडम जानबूझ के। दूसरी बात है कि उसमें एक और आपको क्लियर कर दूं, कुशाभाऊ ठाकरे जी का जो आया उसमें नाम परिवर्तन का, तो उसके साथ साथ ये भी संशोधन उसी के साथ इन्होंने ये भी कर दिया। अगर आपको करना था तो कम से कम मुझसे भी पूछ लेना था। अब वो तो एक साथ ही सारे संशोधन है, चंदूलाल चंद्राकर जी के इसमें वो सेपरेट था। और चूंकि वहां पर किसी भी तरह का किसी का महापुरुषों का बदलना नहीं था, उन्होंने काम देनु चंदूलाल चंद्राकर जी का कर दिया सीधा। तो खैर वो तो मैंने कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो मगर जहाँ कुलाधिपति को जो एक पूरे देश और दुनिया में स्वायत्तता दी है विश्वविद्यालय के लिए, इसलिए है कि यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता, बच्चे को भविष्य उसका अच्छा रहे, ये सारे चीजों को देखते हुए तो कुलाधिपति को, राज्यपाल को कुलाधिपति बनाया जाता ना। तो इनके सामने जो भी प्रशासनिक अधिकारी ने जैसा भी दिया उनको भी ये सारी जानकारी नहीं। अब शायद वो इस चीज को सोच रहे होंगे आखिर ये भी मेरी ही सरकार है ना, और उस सारी चीजों में वो चीज नहीं होनी चाहिए कि जहाँ राज्यपाल और उनके बीच में गलत फहमी हो। तो ये तो अच्छा है कि बैठ के चर्चा करके वो भी समझ गए और आप लोगों के सामने भी ये बात आ गई सामने। आपकी सरकार है लेकिन अभी कुछ दिनों से ये चर्चा होती रहती है कि राज्यपाल और सरकार के संबंध थोड़े से टकराव चल रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। आज ही चौबे जी भी आए थे बधाई देने के लिए, टेकाम जी का भी, स्पीकर का, मुख्यमंत्री जी का भी बधाई मेरे को दिया उन्होंने। तो ये तो थोड़ी ऐसा होता है, ये तो मतलब ये क्या होता है कि ये जो चीजें आ जाती है ऐसी में ना, तो ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। मेरा फर्ज होता है, मैं संवैधानिक, और अगर ऐसा समय समय पर आपने देखा होगा सार्वजनिक स्थल पे मैंने मुख्यमंत्री जी की तारीफ की, क्योंकि मेरी सरकार कोई अच्छा काम कर रहे हैं और उसका ध्यान आकर्षित करना भी मेरा काम है। बिल्कुल, मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग करना जो है, एक संरक्षक हूँ मैं। जी, जी, जी। तो इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है और एक अच्छा, वो भी उनकी भी भावना अच्छी है सरकार की भी कि भाई किसान मजदूर और सारे जो लोग यहाँ के लोगों का जो है सक्षम हो और बेरोजगारी के लिए भी। मगर ये कोरोना का संकट काल में थोड़ा सा गति जो है रुक गई है और बहुत सारी आर्थिक स्थिति का भी मतलब थोड़ी दिक्कत आ रही है पूरे देश में, ये हाल है। तो मुझे लगता है कि अभी तो मैं यही कहूँगी जिस तरीके से हमारे कंट्रोल में था छत्तीसगढ़, अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत अच्छा यहाँ पर काम हुआ था, सारा प्रशासनिक क्षेत्र से लेकर यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, मीडिया, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, सबने बहुत अच्छा यहाँ पर भूमिका निभाई। और इसके बाद अचानक पूरे देश में ही इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहूँगी कि कोरोना से अगर बचना है तो खुद को ही अपनी सावधानी रखनी होगी, एक मास्क लगाकर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और घर में रहें, भीड़ भाड़ में ना जाएं। आप किसी को मत देखिए कि वो सामने वाला लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है,
आपने जिस तरीके से भी अपने को बचाने के लिए सोच लिया, उस दिन आपके पास नहीं आएगा कोरोना। आने वाले समय में क्या किन चीजों पर फोकस होगा ये जान लेंगे हम। आने वाले समय में तो एक तो सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पर जिस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर मजदूर वर्ग है, और जो लोग कुछ दिल्ली बड़े बड़े महानगरों में गए हुए थे देश के बाहर हमारे छत्तीसगढ़ में, तो उनकी भी चीजों की ओर हमें विशेष कुछ करना होगा। और दूसरा है बेरोजगार युवक, नौकरी इतना स्कोप नहीं है अभी स्थिति में। और तीसरा है कृषि के क्षेत्र में, तो ये जो है शिक्षा में, जहाँ आज भी स्कूल तो है लेकिन शिक्षक नहीं है, प्राध्यापक इतनी कमी है, हमारे विश्वविद्यालयों को महाविद्यालय में इतनी ज्यादा इसकी आवश्यकता है, अगर शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चों के ऊपर क्या होगा। तो मेरा विशेष प्रयास रहेगा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, और ये जल्दी से जल्दी जितने भी खाली स्थान है वो भरना चाहिए, और जैसे ही ये सब चीजें ठीक होगी उसकी ओर मैं कोशिश करूंगी कि एक मीटिंग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और सभी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों के साथ, उच्च शिक्षा मंत्री के साथ करके, और आने वाले समय में उनकी कैसे आगे की शिक्षा के रूप लिए हम क्या क्या सुधार ला सकते हैं, क्योंकि अभी का यह है खुलना और स्कूल बच्चे लोग में बहुत खतरा है कोरोना का, लेकिन इसके लिए और आगे किस तरह का हम इन बच्चों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो ये थी राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि एक साल पहले जब वो यहाँ आई थी और उस दौरान अब तक जो एक साल का कार्यकाल उन्होंने यहाँ पर गुजारा है किस तरह। एक और मैं एक बात और बताना भूल गई कि एक साथ और भी एक बहुत बड़ी चीज है जो मिली है, जो एक मानवीय संवेदना का विषय था, सुपेबेड़ा जैसी घटना। अगर मैं शायद नहीं गई होती तो शायद वहाँ इतना सुधार नहीं होता। बिल्कुल। और इसमें स्वास्थ्य मंत्री जी की भी कहना चाहिए बड़ी संवेदना रही, और वहाँ पर जाने के बाद 24 करोड़ रुपए का वहाँ पर जो लंबित थी जी। फिल्टर प्लांट का भी 14 करोड़ का और 10 करोड़ वहाँ के पुल के लिए, और 132 केवी सी का जो ट्रांसफार्मर और इस लोगों की सुविधा ही यहाँ पर जी। वहाँ पर डायलिसिस की मशीनें बंद थी वो शुरू, डॉक्टर पहुँच गए उनकी जांच के लिए उनका। तो ये जो चीजें एक बोलती कि इस कार्यकाल में ये मेरे लिए बहुत बड़ा बहुत बहुत बड़ा। हमने भी मीडिया रिपोर्ट्स ने भी उस समय ये बताया था कि पहली राज्यपाल जो वहां पहुंची, इससे पहले लंबे समय तक वहां पे किडनी के पेशेंट की समस्या थी, विधानसभा में भी सवाल उठे और स्थानीय लोग कई बार इस बात को लेकर मांग रहे थे कि उनका कुछ हल नहीं हो रहा है, जबकि दूर दूर से राष्ट्रीय स्तर पर लोग आके वहां पर जांच चुके थे, बावजूद इसके उनके समस्या का निदान नहीं हो रहा था। लेकिन जब आप पहुंची तो निश्चित तौर पर वहां से जो अब खबरें आ रही हैं बहुत सकारात्मक आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने बताया कि किस तरह से उनका एक साल का कार्यकाल रहा और आने वाले समय में उनका क्या क्या फोकस रहेगा, इस बारे में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी।